नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो पाएंगी। कई महिलाएं क्वेश्चन करती हैं कि मैम कई सालों से ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हस्बैंड के भी वाइफ के भी, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है कंसीव। तो आपको कभी तो ये मन में ख्याल आता होगा कि ऐसा क्या कमी है आपके शरीर के अंदर जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में आप समझने वाली हैं कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, आपकी ओवुलेशन टाइम पर होती है, पीरियड टाइम पर आते हैं, फिर भी आप प्रेगनेंट नहीं हो पाती हैं। ऐसा एक कारण है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। उस कारण को इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं और साथ ही साथ बताने वाली हूं कि कैसे आपको, अगर ये परेशानी है तो आपको समझना है, कोशिश करना है अपने शरीर को, और उसके बाद इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको कौन कौन से घरेलू उपाय करने पड़ते हैं, ये भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए, आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक देखना। और जो भी नए व्यूवर्स हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन करना ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जल्द से जल्द माँ बनने के लिए आपके शरीर के अंदर एक हार्मोन काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन का लेवल घट गया है या बढ़ गया है या सडन किसी भी रीजन की वजह से हार्मोन लेवल बैलेंस्ड में ही नहीं है तो फिर आप प्रेग्नेंट कभी नहीं बन पाओगे। लाख आप कोशिश कर ले, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, काफ़ी मेडिसिन आप खा लें, फिर भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर नहीं होगी। तो सबसे पहला कारण आपको मैं बताती हूँ इस एस्ट्रोजन की वजह से क्या क्या परेशानी होती है महिला को। आपके पीरियड जो है वो नियमित नहीं रहेगी, आपका ओवुलेशन टाइम पे नहीं होगा, फॉलिकुल मैच्योर नहीं होगा, एग रप्चर नहीं होगा, जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं बन पाएंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये हार्मोन क्यों आप में बैलेंस जो है इसका ख़राब हो जाता है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पहले लक्षण आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे पहचानना है कि ये हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है, जिसका विशेष रूप से मेन जो काम है वो यही है कि गर्भधारण में मदद करना महिला का। तो आपको लक्षण कैसे पहचानना है, जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी होती है उन महिलाओं को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थकावट होती है इनको, बहुत ज़्यादा लो फील करती हैं हमेशा। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं जिनमें कि पीरियड भी अनियमित हो जाता है, कई सारी महिलाओं को पीरियड टाइम पे ही नहीं आते हैं जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता है, यानी कि ये हार्मोन आपको पूरी तरीके से प्रभावित करता है और प्रेग्नेंट नहीं बनने देता है। तो इस हार्मोन को आपको बैलेंस में कैसे रखना है ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपके हार्मोन का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप प्रेग्नेंट बन पाएंगी। इसका कारण भी मैंने इस वीडियो में बताया कि एस्ट्रोजन का लेवल अगर सही होगा तभी आप में एक फॉलिकुल मैच्योर्ड बन पाएगा, अगर आप में स्वस्थ अंडा बन पाएगा तभी ये टाइम पर रप्चर हो पाएगा। रप्चर होने के लिए एस्ट्रोजन का लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो खुद ही महिलाएं डिस्टर्ब कर लेती हैं। तो अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इन हार्मोन को कैसे लेवल में लाया जा सकता है और क्या क्या आप गलतियाँ करती हैं जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेस ना लेना। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, क्या प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, मल्टीविटामिन्स के टैबलेट्स भी लेते हैं, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस लेने की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके एग जो है वो बनना बंद हो जाते हैं, एक मैच्योर फॉलिकल बनना बंद हो जाता है, रप्चर ही नहीं होता टाइम पे, कई बार तो रप्चर भी हो जाता है, आपकी इम्प्लांटेशन भी हो जाती है, उसके आगे जाके इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। ये सब जो कारण होते हैं ये इसी वजह से होते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो सही नहीं है आपके शरीर के अंदर। तो महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, खास करके प्रेगनेंसी कंसीव करने में। कई सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन ले लेंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। मल्टीविटामिन केवल आपके बॉडी को स्वस्थ रखता है, लेकिन जो बैलेंस्ड में आपको हार्मोन करना है वो आपको खुद करना होता है। आप स्ट्रेस फ्री रहिए तो ये हार्मोन आपका सही तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ आजकल की जो जीवन शैली है, रात में आप जब सोते हैं तो 8 घंटे का नींद आपको लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप नींद में होते हैं तो बॉडी रिलैक्स्ड होती है और इसी समय आपका ब्रेन सिग्नल देता है, कई सारे हार्मोन्स को काम करने के लिए एक्टिव करता है।
तो जब आप सोते हैं ना, इसी समय आपका बैलेंस जो रहता है बॉडी के अंदर, जितनी भी रिपेयरिंग की काम होती है, आपके मसल्स का वेयर टेयर होता है, सबको रिपेयर करता है आपका ब्रेन। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलैक्स होके 8 आवर्स का स्लीप लें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। तीसरा होता है कि आपकी डाइट कैसी है। बहुत सारी महिलाओं की डाइट में बहुत ज़्यादा मीठा शामिल होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना लें। अल्कोहल हो गया, धूम्रपान करती हैं काफ़ी सारी महिलाएँ, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं, हार्मोन्स को जो होती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखें अगर आप जल्द से जल्द कंसीव करना चाहती हैं। कई बार आपको पता भी नहीं होता, अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से भी आपके प्रजनन क्षमता पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप बिल्कुल दूरी बनाएं इन सब चीज़ों से। अब प्रोजेस्टेरोन का स्तर आप कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरली, तो नेचुरली आपके डाइट में आपको लेना पड़ेगा सेब, चावल, गेहूँ, बेरीज। तो इन सब चीज़ों को आप शामिल करेंगे ना रेगुलर बेस पे, तो आपको क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो अच्छे से लेवल में आने में हेल्प मिलेगी। आपका रेगुलर बेस पे पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवुलेशन ट्रैक करना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। और ओवुलेशन एक सही समय होता है जल्द से जल्द गर्भधारण करने का, जैसा कि आपको पता है मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ। ओवुलेशन के वीडियोज़ आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस्ड में करना आपके हाथ में है। आप जल्द से जल्द ये सारी काम करिए, आपका बैलेंस में हार्मोन आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन, तो आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत एक्टिव रहना जरूरी है, योगा करिए। आप जो छोटे मोटे योगा आसन होते हैं, बटरफ्लाई आसन होता है, स्क्वाट होता है, इन सब चीज़ों को करिए डेली बेसिस पे। पोंछा वगैरह लगाने का जो एक्सरसाइज होता है घर में, ये सारी चीज़ें करिए। टहलना डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, नेचुरल चीज़ें खाना स्टार्ट करिए, जैसे नेचुरल फ्रूट हो गया, ये लीजिए, हरे पत्तेदार साग सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए अपने भोजन में। तो इन सब चीज़ों से ना आपको नेचुरली काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे जो आपके बॉडी को ज़रूरत है, और आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको ये कंफ्यूजन, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दी है कि आपके स्ट्रेस लेने की वजह से या फिर हार्मोनल इंबैलेंस्ड होने की वजह से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाते हैं, कैसे आपके हार्मोन को जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है उसको बैलेंस्ड में लाना है, और किन लक्षणों से आपको पकड़ना है कि आपकी बॉडी में हार्मोन का बैलेंस सही नहीं है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लेना, और जो भी नया है ना फ्रेंड्स वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, नमस्कार।